एक बड़े कंपनी के नतीजे सामने आए हैं, टाटा मोटर्स के नतीजे सामने आए हैं। तो आपके सामने टाटा मोटर्स के तिमाही के नतीजे, जिसमें कंसोलिडेटेड आय 88,966 करोड़ से घटकर 85,676 करोड़ पहुंची है। आपको बता दें टाटा मोटर्स की तिमाही के नतीजे सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो टाटा मोटर्स की तिमाही के नतीजे आए उसमें कंसोलिडेटेड आय घटती हुई नजर आ रही है। जो मुनाफा है वो 1117 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 2125 करोड़ से घटकर 1117 करोड़ तक पहुंचा है। तो मुनाफे में गिरावट, और इसके अलावा जो नतीजे सामने आए हैं उसमें लगातार हर जो फिगर्स हैं वो गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड आय 88,966 करोड़ से घटकर 85,676 करोड़ हो गई है। हमारे सहयोगी रजत इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, बताएं क्या माना जाए इन नतीजों को देख के? नतीजे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो मुनाफे की फिगर है, देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि घाटा पोस्ट कर देगा टाटा मोटर, 506 करोड़ के घाटे का अनुमान थे, लेकिन उसके मुकाबले अगर ये 1117 करोड़ का आंकड़ा है तो ये कहीं ना कहीं बेहतर माना जाएगा। सालाना आधार पर जरूर कम हुआ है मुनाफा, लेकिन घाटा आने की उम्मीद थी, वो इसलिए क्योंकि JLR बहुत बड़ी दिक्कत है चाइनीज मार्केट पे, वहां पर वॉल्यूम्स लगातार टूटते चले जा रहे हैं। लेकिन हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि JLR का हो सकता है कि जो अन्य जो दूसरे देश हैं वहां पर प्रदर्शन बेहतर नजर आता हुआ नजर आए। तो देखना होगा कि अब JLR ने यहाँ पर मार्जिन्स किस तरीके से पोस्ट किए हैं। लेकिन पहला फिगर 1117 करोड़, हमारा अनुमान था कि 506 करोड़ का घाटा टाटा मोटर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे पोस्ट कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर अब इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, देखिए नंबर्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरीके की एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करने को मिली हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो आय का आंकड़ा है उसमें भी 85,676 करोड़ का आंकड़ा है। हमारा एस्टिमेट ये था कि लगभग 89,800 के आसपास आय जो हुए कंपनी रिपोर्ट करेगी, तो उससे तो कम ही यहाँ पर आय होती हुई नजर आई है। इसमें एडजस्टमेंट जरूर होंगी, वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से देखनी होंगी, लेकिन फिर भी मुनाफे के फ्रंट पे हमारे अनुमान से बेहतर है। अब दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो यहाँ पर JLR की परफॉर्मेंस कैसी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 9.7% के आसपास के मार्जिन JLR पोस्ट करेगी, और दूसरा कामकाजी मुनाफा कितना पोस्ट किया है, क्योंकि इस बार कामकाजी मुनाफे का एस्टिमेट रहा है 9,060 करोड़ के आसपास का। अगर 9,060 करोड़ से कम रहा कामकाजी मुनाफा है बेटा, तो यहाँ पर दिक्कत जो वो बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि JLR का परफॉर्मेंस हो सकता है कि बेहतर रहे, 250 करोड़ पाउंड के लक्ष्य को हासिल करेंगे, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अभी तक के हिसाब से तो ठीक नजर आ रही है, थोड़ी बारीकी अभी और चेक करनी बाकी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से रजत आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि ये जो नतीजे हैं वो अनुमान के थोड़े कम जरूर रहे हैं, लेकिन बेहतर इन नतीजों को कहा जा रहा है। और रजत बहुत एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप सवाल करें। चलिए, हमारे साथ वीके शर्मा साहब तो लगातार जुड़े हुए हैं, और साथ साथ अविनाश गोरखशेखर साहब भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 9.8% ये मार्जिन रहे हैं JLR के जो इस बीती तिमाही में कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है सर। रजत बोल रहा हूँ बॉम्बे स्टूडियो से, मुंबई स्टूडियो से। ये जो इस बार का परफॉर्मेंस आई है, इसमें 1117 करोड़ का मुनाफा कंसोलिडेटेड आधार पर टाटा मोटर्स ने पोस्ट कर दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन तो घटे की थी, लेकिन डिटेल में देखने पड़ेंगे इनको, आप देख पाएंगे। मैं तो अभी ट्रेवल कर रहा हूँ बेंगलोर में, वहाँ से गाड़ी रोककर आपका आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कुल मिला के मेरा ये मानना है कि ये नंबर्स ऑप्टिकली बहुत बड़े अच्छे हैं। ये देखना पड़ेगा कि कुछ वन टाइम ये हिट लेने वाले थे, वो अगर ये प्रॉफिट इसलिए है कि वो हिट नहीं लिया है तो ये दिक्कत हो सकती है, अन्यथा एज इट इज ये नंबर अच्छे हैं। सर बहुत ज़्यादा ना वेरिएशन थी इस बार, जो ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्लियर कट कोई इंडिकेशन थी नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि घाटे का अनुमान था और उसके मुकाबले तो एटलीस्ट मुनाफा आई है, लेकिन एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं नंबर्स में। एक आंकड़ा जो मेरे पास आया वो है ये कि 9.8% JLR के परसेंटेज यानी कि मार्जिन देखने को मिल रहे हैं 9.8%। एक तो ये बताइए ये कैसे है, अगर आपने इसका कुछ एस्टिमेट्स आपके पास हो तो। और दूसरा 8,450 करोड़ के आसपास का एबिटा इन्होंने पोस्ट किया है कामकाजी मुनाफा 8,450 करोड़ के आसपास का, क्या ये ठीक है या फिर अनुमान से कम? मेरे आपके जो ऑडिटर है उसको यही बोला था, मेरे पास अपने नंबर मेरे पास नहीं है, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन फोन लगा दिया उन्होंने तो ऑप्टिकली मैं एडजस्ट कर बता सकता हूं, ये नंबर्स काफी अच्छे हैं और ये रहा तो इसलिए स्टॉक ऑलरेडी अच्छा है और अच्छा हो सकता है।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश जी मेरे साथ इसमें मौजूद है। अविनाश जी, पहला आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है 1117 करोड़ का मुनाफा, एक तो ये बताइए कैसा, और दूसरा 8450 करोड़ के आसपास का एबिटा है, ये दोनों आंकड़े कैसे लग रहे हैं? आई थिंक रजत, 8450 करोड़ का जो इबिटा है वो डेफिनेटली हमारे उम्मीद से और मार्केट्स के उम्मीद से काफी अच्छा है। बॉटम लाइन जो अभी 1017 करोड़ आई है, हमको लग रहा है कि इसमें अगर कोई अदर इनकम नहीं है या वन ऑफ नहीं है तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अंदाजा था कि 450 करोड़ का घाटा आएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो ये वन ऑफ अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली मार्केट्स और यू नो एनालिस्ट से ये काफी पॉजिटिव सरप्राइज माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी, वन ऑफ है नहीं है, और करेंसी का इंपैक्ट कितना है, क्योंकि करेंसी का इंपैक्ट नॉर्मली टाटा मोटर्स के यू नो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी सिग्निफिकेंट होता है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, बट ये क्लैरिटी आने के बाद में ही मुझे लग रहा है कि कल के सेशन में यू नो शेयर को एक प्रॉपर डायरेक्शनल कॉल मिलेगा। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए। एक्सेप्शनल आइटम्स बहुत सारे हैं, उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो मुनाफे के फिगर वो 1117 करोड़ डेफिनेटली पड़ती हुई नजर आई है। विकास सेठी साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। विकास जी, 9.8% के मार्जिन है JLR के, आपकी एस्टिमेशन क्या थी, और ये जो 1117 करोड़ का मुनाफा है इसके दम पे क्या टाटा मोटर्स खरीदें, या फिर जो आज मूव बना 7% का मुनाफा वसूली का समय हो गया? देखिए रजत, जो ये JLR के एबिटा का नंबर्स था वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 9.7% की, तो उसके आसपास ही 9.8% आए हैं जो कि इन लाइन विद एस्टिमेट है। और बाकी पैट का जो नंबर है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज है, अनलेस कि उसमें कोई एक्सेप्शनल आइटम हो, अगर फर्दर डिटेल्स में अगर आता है तब तो बात अलग है, अदरवाइज ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। और मुझे लगता है जिस तरह से बाजार आज जिन लेवल्स पे जिस स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है तो सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, और इस नतीजों के ऊपर मुझे लगता है टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी कल और तेजी कर सकता है। चलिए सेठी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा यही है कि ये जो JLR की परफॉर्मेंस है सब कुछ इस पर निर्भर है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो भी यही थी कि 9.7% के आसपास के मार्जिन JLR रिपोर्ट कर सकता है, 9.8% के कर दिए हैं। मुनाफे के फ्रंट पे ठीक है, कामकाजी मुनाफा हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, मिले जुले नतीजे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम घाटे का अनुमान कर रहे थे एटलीस्ट उसके मुकाबले तो प्रॉफिट शो कर दिया, और पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार देखेंगे तो इनके घाटे में कमी हुई है, और इस बार तो कहीं ना कहीं मुनाफा बुक कर लिया है। तो ये बाजार हाथों हाथ लेगा, क्योंकि पिछली तिमाही में एक इंपेयरमेंट कॉस्ट थी, लगभग 26,992 करोड़ का घाटा टाटा मोटर्स ने बुक किया था, उसके चलते इस बार उतना तो नहीं है, एटलीस्ट JLR की परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रजत आपका, और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए।